नमस्कार दोस्तों, एक बार जंगल में तमाम पक्षी और तमाम जानवरों ने एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा। वहाँ पे तमाम कीड़े मकोड़े सब कुछ वहाँ पे उपस्थित था, यहाँ तक कि बंदर, भालू, शेर, कुत्ते, हाथी, बिल्ली, जितना भी दोस्तों बड़े बड़े जो जानवर सब वहाँ पे उपस्थित था। सबका एक ही मुद्दा था, आखिरकार हम लोग कब तक प्यासे मरेंगे, आखिरकार हम लोग कब तक जियेंगे। दोस्तों सबका ये कहना था कि हम जब भी तालाब के पास जाते हैं या फिर नदी के पास जाते हैं, वहाँ पे शेर हम पे हमला करता है, हमें खा जाता है, हम लोग मर जाते हैं, हम लोग प्यासे ही मर जाएंगे, तो अब क्या होगा, हम लोग के पास तो कोई मौका ही नहीं है। दोस्तों उस समय एक निर्णय हुआ, पक्षी राजा गिद्ध ने एक निर्णय किया कि अब हम लोग को शेर को डराना होगा, शेर के मन में भय पैदा करना होगा। और बड़ी बात तो यह है कि पक्षी राज गिद्ध का आवाज़ कोई माना नहीं, बोला कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, किसमें हिम्मत है जो शेर से पंगा लेगा, शेर तो सबको खा जाएगा। और दोस्तों उस समय ये काम सौंपा गया चूहे और खरगोश को, बोला कि ये काम तुम लोग करोगे। चूहे और खरगोश दौड़ा दौड़ा शेर के पास गया, बोला कि अरे भाई शेर तुम क्या कर रहे हो, जंगल में तो महाशेर आ गया है, बब्बर शेर आ गया है, तुम्हारा बाप है वो, अब तो तुम्हारा कहानी खत्म है। अब दोस्तों जैसे ही शेर के बाद पता चला कि वहाँ पे बब्बर शेर आ गया, शेर को दोस्तों बहुत ही गुस्सा है, बोला चलो तो कौन आया है, और उसे लग गया तालाब पे, तालाब के पास गया, शेर को बोला देखो यहाँ पे है। दोस्तों चूहे और खरगोश के बात मानकर शेर ने तालाब में झांका तो देखा सचमुच में वहाँ पे बब्बर शेर खड़ा है। दरअसल दोस्तों उसी का परछाई था, यानी कि जिसे शेर बब्बर शेर मान रहा था वो उसी शेर का परछाई था। और फिर क्या हुआ, बब्बर शेर और शेर में दोस्तों बहुत नोकझोंक हुआ और बाद में शेर ने बब्बर शेर पे हमला बोल दिया। सिंपल सी बात है, अपने ही परछाई पे हमला किया और बाद में क्या हुआ, पानी में डूब के मर गया। सिंपल सी बात है, पूरे जंगल खाली हो गया और वहाँ पे फिर से जानवर रहना शुरू कर दिया, सब पानी पीना शुरू कर दिया, सब आराम से जीना शुरू कर दिया। अब बोलेंगे हमने इतना बड़ा कहानी क्यों बताया, सिंपल सी बात है दोस्तों, हम लोग अमेरिका के बारे में हुआ बनाते थे बहुत दिन से, अमेरिका ये है, अमेरिका वो है, अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास पैसा है, दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, 21 ट्रिलियन GDP है, वो किसी को बेच सकता है, खरीद सकता है, कहीं पे बीमारी कर सकता है, उसे कौन पंगा लेगा। दोस्तों सेम टू सेम शेर वाला हाल पूरी दुनिया ने अमेरिका का किया है। सिंपल सी बात सा बोलता है कि अमेरिका शेर है, उससे तो कोई पंगा ले ही नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जिसे हम लोग शेर मान रहे दोस्तों वो अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है, कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चुका है। दोस्तों सेम टू सेम अमेरिका मैच हो रहा है, अमेरिका का दोस्तों कहानी खत्म होने वाला है, अमेरिका का बर्बादी दोस्तों शुरू हो चुका है, अमेरिका कर्ज के तले डूबा है। दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से कर्ज के तले डूबा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि अगर अमेरिका को यहाँ से नहीं बचाया गया तो केवल 20 साल में दोस्तों अमेरिका बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, कह सकते हैं कि उसका जो पावर है ना ये बिल्कुल ही देखावा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि जो बाइडन के सामने में बहुत बड़ा चैलेंज है, उसे आखिर करना क्या है। अब बोलेंगे हम ये क्या बोले, अमेरिका पास कर्ज है, अमेरिका डूब जाएगा, एक आपकी बात में सच्चाई क्या है। दोस्तों चलिए हम लोग अभी जानते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका के एक संसद ने बहुत बड़ा बयान दिया और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के तमाम मीडिया ने भी छापा। उनका यह कहना था कि भाई अमेरिका तो कर्ज तले डूबा हुआ है, अब तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, अमेरिका कहानी खत्म है। दोस्तों ऐसा कौन बोला, अमेरिका का सांसद, उनका कहना था कि अभी भी मौका है, ये जो आप लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का जो आप लोग राहत पैकेज निकाल रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं, वो रोक लीजिए क्योंकि आप पे ऑलरेडी 29 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है। दोस्तों अमेरिका जीडीपी कितना है आज, 21 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि भारत से 7 गुना है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उस पर 29 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है। सिंपल सी बात है, अमेरिका पे 8 ट्रिलियन डॉलर अधिक कर्ज, जितना उसका जीडीपी है ना उससे 8 ट्रिलियन दोस्तों अधिक कर्ज है। सिंपल सी बात है, वो अपने आप में बहुत बड़ा रकम है, यानी अमेरिका का आज ये हाल हो गया है, जितना उसके पास पैसा है वो सब जीडीपी उसका कर्ज में। दोस्तों सिंपल सी बात है, अमेरिका की कहानी खत्म है। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका ने सबसे पैसा लिया है, चाइना से लिया है 1 ट्रिलियन डॉलर, जापान से लिया है 1 ट्रिलियन डॉलर, दुनिया के तमाम देशों से 1 ट्रिलियन दोस्तों बहुत सारे देश लिया है। बड़ी बात तो यह है कि हमारा प्यारा देश भारत से भी दोस्तों बहुत सारा कर्ज लिया है। पूछेंगे आखिरकार भारत कर्ज देता है क्या, भारत आखिरकार अमेरिका को कर्ज देगा, भाई ये क्या बात हुआ, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि भारत भी अमेरिका को कर्ज दे सकता है। आखिर कितना दिया है, थोड़ा मोटा दिया होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितना पाकिस्तान का जीडीपी है इतना कितना है, 284 बिलियन डॉलर, भारत ने लगभग उतना ही कर्ज अमेरिका को दिया है। दोस्तों 216 बिलियन डॉलर कर्ज दिया अमेरिका, बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में, अमेरिका को 216 बिलियन डॉलर कौन दिया है, भारत दिया है। कह सकते हैं कि जितना पाकिस्तान का जीडीपी है 284 बिलियन डॉलर, लगभग उतना भारत तो कर्ज दे दिया। दोस्तों चाहे तो भारत पाकिस्तान को खरीद सकता है केवल उतना ही कर्ज में। सिंपल सी बात है, भारत ने बहुत बड़ा रकम दिया है अमेरिका को। आप पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ, हमारे यहाँ पे अभी भी गरीबी है, लोग भुखमरी से मर रहा है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, आखिर हम लोग उसे कर्ज क्यों दे रहे हैं और खासतौर पर अमेरिका को दे रहे हैं जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है, सब करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात तो आप लोग जान लीजिए, पहले हम लोग के मन में जो भय है ना कि हमसे आगे अमेरिका है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग चाहे तो किसी को पछाड़ सकते हैं,
ये दिमाग से निकाल लीजिए, ये शेर और बब्बर से कान से याद कीजिए। सिंपल सी बात है, लोग केवल भय बनाता है कि ये इतना खतरनाक है, जबकि सच्चाई कुछ और होता है। हम लोग अमेरिका को खतरनाक मानते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका क्या है, पूरे कर्ज में डूबा हुआ है। सिंपल सी बात है, उससे लाख गुना अच्छा हम लोग है दोस्तों, हम लोग तो बहुत सेफ है। मान लीजिए अमेरिका में केवल एक साल के लिए अकाल आ जाए दोस्तों, क्या होगा? अमेरिका में मान लीजिए एक साल के लिए भयंकर महामारी आ जाए तो क्या होगा? मान लीजिए अमेरिका में एक साल के लिए कुछ हो तो क्या होगा दोस्तों? अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, रातों रात टूट जाएगा। कह सकते हैं कि अमेरिका एक साल भी नहीं सह पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्ज है ना, वो डूब जाएगा। इसीलिए कोरोना वायरस काल में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप का ये मजबूरी था, उसने तमाम फैक्ट्रियां को अनरखा, तमाम रोजगार को अनरखा, बोला कि चाहे कितना भी लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने फैक्ट्री को बंद नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लोगों को बिजनेस पे आने से मना नहीं करेंगे, सबको रोजगार देते रहेंगे। अगर सचमुच में ये काम सब बंद हुआ तो कोरोना से लोग मरेगा ही मरेगा, महामारी से तो मरेगा ही मरेगा, साथ में लोग भूख से भी मर जाएगा। दोस्तों अमेरिका को पता था कि अगर हाँ वो अधिक दिन लॉकडाउन करता, मान लीजिए 6 महीना लॉकडाउन करता, तो अमेरिका में बर्बादी तय था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी कभी कुछ नहीं कर पाया, और इसीलिए वहाँ पे लोग मरता रहा, कोरोना वायरस फैलता रहा। दोस्तों अमेरिका बहुत बड़ा GDP उसका है ना, तो वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल वो भी बहुत बड़ा है। सिंपल सी बात है, हम लोग मान लीजिए 10,000 में खाना पीना खा के कहीं रह सकते हैं, तो अमेरिका के लोग दोस्तों 1,00,000 रुपया में कहीं पे दोस्तों रह भी नहीं सकते। सिंपल सी बात है, वहाँ पे लोगों का जीना हराम हो जाएगा दोस्तों, ये हाल है। और इसीलिए अमेरिका में आज केवल कर्ज ही कर्ज है। यानी कि हम लोग के यहाँ एक कहावत है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, अमेरिका में सही हो रहा है। तो अगर अमेरिका को इस क्राइसिस से नहीं रोका गया तो आने वाला समय अमेरिका दोस्तों बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाएगा। और ये बात अमेरिका का सांसद खुद बोला है कि 2050 तक अमेरिका पे $104 ट्रिलियन, यानी कि $104 ट्रिलियन दोस्तों कर्ज होगा। समझिए कितना बड़ा कर्ज होगा दोस्तों, अमेरिका कर्ज कर्ज में डूब जाएगा, वो भी 2050 तक, यानी कि केवल 29 साल में अमेरिका कर्ज कर्ज में डूबने वाला। दोस्तों अमेरिका कहानी खत्म होने वाला है, ये बात वहाँ के सांसद ने बोला है कि हमें अब बचाना चाहिए। आप पूछेंगे आखिरकार इतना कर्ज कैसे होगा, क्या कारण हुआ? देखिए दोस्तों, साल 2020 में यानी कि आज से 20 साल पहले अमेरिका में केवल 6 ट्रिलियन कर्ज था दोस्तों, केवल 6 ट्रिलियन, लेकिन आज कितना हो गया है, 29 ट्रिलियन। तो सिंपल सी बात है, बराक ओबामा ने जब आया ना वहाँ पे दोस्तों कर्ज दोगुना कर दिया, यानी कि जब 6 ट्रिलियन था तो बराक ओबामा जाग गया, उस समय दोस्तों 12 से 15 ट्रिलियन हो गया था। सिंपल सी बात है, अमेरिका में कर्ज को बढ़ाने में दोगुना करने में बात किसका है, बराक ओबामा का है। और बड़ी बात तो यह है कि बहुत हद तक दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भी कर्ज लिया, उसका भी मजबूरी था, क्योंकि बीच में कोरोना वायरस आ गया, इन सब के अलावा ट्रेड वार हुआ तो कर्ज बढ़ता चला गया, और इन सब के अलावा अब बाइडन को कर्ज लेना मजबूरी हो गया है। तो सिंपल सी बात आप लोग मान लीजिए, जब 2020 में 6 ट्रिलियन कर्ज था और 2021 में कितना हो गया, 29 ट्रिलियन, तो समझिए 2050 में क्या होगा दोस्तों, 104 ट्रिलियन बोला है ना, कम से कम 104 ट्रिलियन से अधिक होगा, कम से कम 120 ट्रिलियन से 130 ट्रिलियन अमेरिका पे कर्ज लेगा दोस्तों, अमेरिका बुरी तरह से फंस जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर चाइना को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा, और आने वाले समय में दोस्तों चाइना अपने आप ऑटोमेटिक सुपर पावर बनने को रास्ता निकल जाएगा। दोस्तों ये काल बहुत ही खतरनाक काल है, कह सकते हैं कि 2021 और 2030 देखेंगे उसके अंदर में दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है, दुनिया में बहुत सारा बदलने वाला है, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ पे किसी का नंबर 1 का कुर्सी छीनने वाला है, कोई नंबर 1 पे आने वाला है। इसीलिए दुनिया में आज इतना लड़ाई चल रहा है, इतना तनातनी है, सब एक दूसरे पे प्राण बम का धमकी दे रहा है, सबको अपने का फिक्र है।